हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। भाई, बहुत लोगों की अलग अलग शिकायतें देख करके आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी एक बहुत ही कॉमन सी शिकायत की, भाई टाइटल पे बात नहीं करती। वैसे मैं हर वीडियो में टाइटल पे बात होती है, जो भी टाइटल दिया गया होता है वो वीडियो में होता ही है, बट कुछ एक लोग जस्ट पढ़ते ही हैं टाइटल, फिर उसके हिसाब से लग जाते हैं, मतलब अपना वो भी जो भी है लिखने। तो आज मैंने सोचा कि चलिए, जो भी पढ़ेंगे ही सिर्फ, तो एटलीस्ट मतलब आज तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि आज मैं वीडियो ही यहाँ पे आपके टाइटल से ही स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जो टाइटल है, जैसा आपने पढ़ ही लिया, तो उसी हिसाब से जो मेरी ये जमा पूंजी है, मतलब इसको अलविदा कहने का टाइम आ गया है। मतलब इसीलिए तो हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, बाकियों का पता नहीं, लेकिन मैं तभी लेती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा, कि भाई हाँ, अगर कभी लाइफ में अगर नौबत आई इस तरह से, तो उसे गोल्ड को मैं दे करके कुछ अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकूँ। और इससे गोल्ड से ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है प्रॉपर्टी में। तो जी हाँ, हम भी कुछ इसी तरह का सोच रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नहीं, कहीं और नहीं, जैसे चंडीगढ़ पहले हमारी सोच थी, वो सब नहीं, हिमाचल में ही, अपने आसपास ही। क्योंकि देखिए, अब इतना तो क्लियर है कि पतिदेव को यहाँ वहाँ कोई भी जगहें अच्छी नहीं लगती, मतलब इनका मन यहीं पे है। तो हम भी अभी फिलहाल के लिए यही मान के चल रही हूँ कि नहीं, यहीं पे, तो मतलब यहीं पे हम अपना जो भी आगे का है, प्लान्स है हमारे, जैसे वो बिजनेस से रिलेटेड है या कुछ भी, तो यहीं पे हम करेंगे। तो यहीं पे, और यहाँ पर भी आपको मैं बता दूं कि प्रॉपर्टी के रेट जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा हाई हैं। हमारे यहाँ पे चलता है बिस्वा, जो चंडीगढ़ साइड जब हम गए थे, तो मैंने वहाँ पे मरला सिस्टम चलता है, वो चीज़ मतलब मैंने देखी थी। तो यहाँ पे मरला सिस्टम नहीं चलता, यहाँ पे हमारी इधर चलता है बिस्वा सिस्टम, जो दो आपके मरले हैं ना, तो दो मरले का एक बिस्वा बन जाता है। तो ये इस तरह से मतलब यहाँ पे देखा जाता है, फिर उसी तरह से रेट डिसाइड होते हैं। और मैं अपने आसपास की एरिया की बात बताऊँ, सरका घाट की ही, तो एक जगह जब हम रोड साइड प्रॉपर्टी देखने गए थे, काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, मतलब मैं यही सोच रही थी, जब जब मैंने ये कंगन वगैरह ये सब चीज़ें बनवाई थी ना, उस टाइम पे भी चाह रही थी कि अगर प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट हो जाता है तो अच्छा है, मतलब प्रॉपर्टी फिर हमेशा के लिए हमारे आने वाली पुश्तों के लिए भी हो जाएगी। गहनों का क्या है, कहीं गुम ही हो गए, चोर वोर ही ले गया, तो सब कुछ गया। इसलिए मैं इसी मतलब गहनों को इसलिए बनाती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा, जैसे छोटी छोटी हमारे पास सेविंग होती चलती है ना, तो मैं उनको फिर गहनों में कन्वर्ट कर लेती हूँ। फिर बाद में जैसे एक अच्छा अमाउंट मुझे लग रहा है कि नहीं हो सकता है, या फिर हमें कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी लेना ना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी इन द सेंस कि भी लोग नहीं देते, ऐसे तो कौन देता है, किसी जैसे किसी कोई नीडी है तभी वो सेल करेगा, या फिर यहाँ से सेल करके कहीं और बस रहा है तब जा करके प्रॉपर्टी सेल करता है। तो फिर मतलब मौका मौका मिलता है, अगर हमारे पास है फिर जमा पूंजी तो हम जल्दी से खरीद सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर रह जाओ जी। तो ऐसे ही हम कहीं मौका मिला हुआ है, और खैर कहाँ है क्या है वो भी मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी, अगर मतलब हो जाता है फाइनल सब कुछ। तो मैं बता रही थी आपको कि रेट्स का, तो प्रॉपर्टी, क्योंकि बहुत बार कमेंट में फिर पूछ लेते हैं कि क्या रेट चल रहे हैं, क्या कैसा है। तो कुछ टाइम पहले हम लोग गए थे यहीं पे हाईवे पे ही देख रहे थे, तो मैं, हम लोग सरका घाट में मेन जो हाईवे चल रहा है आजकल, टू लेन का काम चला हुआ है, और बाकी भी आगे को जहाँ पर नहीं भी चला है, जो मंडी की तरफ को चला गया, तो वहाँ पे हाईवे पे रेट चला हुआ था। वैसे तो जायज़ रेट की बात बता रही हूँ, तो वो ये है कि कुछ टाइम पहले 8 लाख में पर बिस्वा के हिसाब से भी बिकी ज़मीनें, अभी 10 कर दिया है लोगों ने, 12 बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, तो उस हिसाब से मतलब प्रॉपर्टी के रेट वैसे भी आगे को बढ़ते ही हैं, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है। तो जो हम गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने हमें बताया 15 लाख बिस्वों के हिसाब से, 4 बिस्वें थी ज़मीन और 60 लाख मांगा था हमारे से। तो खैर इतनी गुंजाइश नहीं थी उस टाइम पे, गुंजाइश की भी बात नहीं थी, मतलब चलो थोड़ा बहुत रिस्क जैसे लोन वोन लेकर के कर लेते, लेकिन ये बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा था हमें, और इतनी भी मतलब यहाँ पे नहीं है महंगाई, और इतने में मतलब मेरी सोच थी कि अगर इतने में यहाँ लेना है तो उससे बेटर है कि चंडीगढ़ में ही क्यों ना ले लें, वहाँ पे तो चलो वैल्यू भी है और ऑलरेडी डेवलप है, ऐसी सोच नहीं है कि अभी डेवलप होगी तब जाके कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि अभी कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की। लोग तो सोच रहे हैं, पर लोगों की सोचने से थोड़ी ना होता है। अब जैसे सरकार की बात बताएं तो सेंटर सेंटर में है बीजेपी, यहाँ पे जो एमएलए है हमारे सरका घाट के, तो वो है बीजेपी के, जबकि सरकार हिमाचल में कांग्रेस की है। तो उस हिसाब से मतलब फिर आपको पता ही है कि जब सरकार किसी और की होती है, एमएलए
कहीं और का कोई और पार्टी का होता है तो कोई नहीं पूछता उसको, तो मतलब वो चीज तो फिर आप छोड़ दो, मतलब 5 साल तक तो कुछ नहीं होने वाला है ना, ये चीज तो मतलब क्लियर है। आने वाले 5 सालों का भी किसने देखा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। मतलब मैं ना थोड़ा कैलकुलेटिव हूँ बहुत ज्यादा, आगे तक का सोच के चलती हूँ कि अच्छा ये हो गया तो ऐसा होगा ऐसा होगा, तो मुझे नहीं लग रहा है, तो मुझे ये अमाउंट बहुत ज्यादा लगा। तो इससे बेटर मुझे ये लगा कि अपने मतलब आसपास या कहीं पर भी जो लिंक रोड है वहां पे अगर मिल जाए तो और भी ज्यादा बेटर है। वहां पे होगा कि इतना ज्यादा हाई तो नहीं होगा रेट एटलीस्ट, और अपनी पहुंच के बराबर होगा। और डेवलपमेंट होगी तो आपको पता ही है कि जब डेवलपमेंट होती है तो नियर बाई जो जितने भी एरिया होते हैं वहां पे ज्यादा होता है, मतलब ये मेरी सोच है, मतलब थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन जो लगाया हुआ है तो उसी हिसाब से देख रहे हैं। अगर होता है तो, अगर हो पाया तो मैंने अपनी जो जमा पूंजी इकट्ठा कर रखी थी तो मैं क्या आज मैं आखिरी बार आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ, ताकि मुझे भी बाद में अगर देखनी हो कि क्या क्या था मेरे पास, कौन कौन सी चीज़ें अच्छी थी, तो उस हिसाब से मैं यहाँ वीडियो से ही जानकारी ले लूँ। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ और खुद मेरे लिए भी मेमोरी बन जाएगी। तो जैसे मैंने अभी अभी ये बनवाए थे, तो ये मैंने कड़ा मंगवाया बनवाया था गोल्ड का, जो मैंने आपके साथ भी शेयर किया था, ये इस तरह से पेच वाला जो खुलता है। और बाकी खैर डिटेल में मैं आपके साथ शेयर कर ही चुकी हूँ। और ये फिर मतलब एक थोड़ा मतलब मोटी मोटी आइटम्स तो उसमें से है। बाकी रिंग्स की बात बताऊँ तो मेरे पास एक तो मैंने पहनी रखी होती है ना, ये परमानेंट पहनी होती है, और खैर मैंने ये भी मैंने परमानेंट पहनी होती थी पर मैंने आजकल निकाल दी हुई है, क्योंकि ना ये यहाँ से थोड़ा घिस रही थी। और ये मेरी एंगेजमेंट रिंग है, ये देखिए इस तरह की है एंगेजमेंट रिंग है, डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है, मैं खो नहीं सकती थी इसको, इसलिए मतलब मैं क्या फिर चलो खैर वैसे तो अगर घिस जाए तो और इसमें हो जाता है वाइंड अप हो जाता है, बट फिर मैंने निकाल ही दी क्योंकि मैं क्या चलो एक ही काफ़ी, अगर घिस भी रही है तो चलो एक हो गया, तो एक ये होगी और दो ये हैं और तीन हो गई। मतलब ये इसका डिज़ाइन भी सेम इससे मिलता जुलता है, थोड़ा थोड़ा सा दिखाया था मैंने आपको, तो तीन ये हो गई। और चौथी जो मैंने बनवाई थी अभी 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 की बात है तो वो मैं दिखाती हूँ। तो चौथी फिर मैंने ये कॉकटेल रिंग बनवाई थी जो कि ये देखिए मतलब काफ़ी बड़ी भी है, ये देखिए मैं आपको इसको इसका दिखाती हूँ कितनी बड़ी है। तो ये मेरे ना बालों में जो पीछे लगाते हैं वो फूल है ना, तो इसके कंपैरिजन में ये काफ़ी बड़ी है, मतलब इससे डबल लेके आप चल सकते हो। तो ये मैंने बनवाई थी इस बार, और ऐसे ही छोटी छोटी सेविंग करते करते फिर जब बड़ा अमाउंट हो जाता है मेरे पास तो मैं ऐसे गोल्ड में कन्वर्ट कर लेती हूँ। बट हाँ इसका भी डिज़ाइन बहुत प्यारा है, ये इस तरह से क्लिप होती है बालों में लगाने वाली, तो ये तो है जी मेरी शादी वाली वो क्लिप जो मतलब शादी के टाइम पे गहने दिए जाते हैं ना, तो वो वाली है। और इसके अलावा ना जब मैं ये देखने लगी ना आज गहने, तो मेरा एक नोज पिन था, थोड़ा बड़ी जैसी तिल्ली थी और शादी के टाइम की थी वो भी ना, पर वो मिल नहीं रही है कहीं पे, और मुझे इतनी टेंशन हो गई है ना उसकी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब कुछ एक चीज़ों के जैसे मतलब छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना जैसे शादी के टाइम की हैं तो उनके साथ तो मेरी पर्सनल यादें भी जुड़ी हुई हैं। हाँ ये सारे नहीं मैं देने वाली, ऐसा नहीं है, इनमें से मतलब जितनी कर ज़रूरत महसूस होगी और जो मैंने अभी खुद से बनवाई हुई हैं चीज़ें वो, और जो मेरी मतलब ऐसे पुश्तैनी है जैसे शादी के टाइम की और दी हुई है मेरे को, तो वो सारी चीज़ें तो नहीं मैं देने वाली, ऐसी मतलब ऐसी इतनी मेरी औकात नहीं है कि मैं वो चीज़ें दे दूँ, क्योंकि देखिए वो तो एक तरह से मतलब यादें जुड़ी होती है ना, तो वो चीज़ तो नहीं हो सकती इसके साथ भी रिंग के साथ भी, तो ये चीज़ें नहीं। और बाकी जनाब की ये देखिए टूट गई थी ना उस दिन, ये देखिए इसमें पता क्या होता है ना, छोटे छोटे बाइंड यहाँ से छोटे छोटे करके लगाए गए होते हैं ना, तो ये टूटते रहते हैं ऐसे भी जैसे वो रेगुलरली डाल के रखते हैं ना, फिर उस वजह से। तो इसको हम चेंज करने का सोच रहे थे, अभी देखते हैं चेंज करेंगे या चेंज ही कर देंगे उसके बारे में, लाइट आ जा रही है आज बहुत बार ना, तो फिर मेरे को ना मतलब अभी इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है, मैं बस सारा ये मैं क्या पहले वीडियो कंप्लीट कर लेती हूँ उसके बाद फिर आराम से ढूंढूंगी एक एक जगह पे, पर हाँ मैं ढूंढूंगी उसको जरूर, आज मेरा पूरा दिन वहीं पे जाने वाला है। पर खैर एक वीडियो में शूट करके मतलब ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ ना दूसरे चैनल वाला, तो यहीं पर ये वाला रह गया था, तो मैं क्या पहले इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए काम अपनी जगह होता है, टेंशन अपनी जगह होते हैं, हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह होती है, तो मैं किसी भी चीज़ के साथ कंप्रोमाइज़ कभी नहीं करती। ठीक है जो मेरा काम है पहले मैं उसको, जो हमें रोजी रोटी दे रहा है तो उसके लिए तो पहले मतलब डेडिकेटेड रहती हूँ, फिर हाँ टेंशन है एक भाग में चली, दिमाग के एक भाग में चली हुई है टेंशन, तो फिर उसको जैसे मैं फ्री हो जाऊंगी तो वो करूंगी, तो ऐसी ऐसी बातें। बाकी हाँ ये मेरे ओहो ये मेरे का
ये भी मतलब ट्रेडिशनल डिज़ाइन है ये, इस तरह का मतलब कान के जो बॉबी रिंग होते हैं, तो ये भी नहीं देने वाली हूँ, जो नो नहीं देने वाली हूँ। खैर मैं उनको दिखा के दूँ, चलो मैं क्या निकाल ली थी ना, मतलब ये सारी निकाल दिए थे मैंने, तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, मैंने जो इस बार ली थी ना जाते जाते, शायद मैं आपको अच्छे से डिज़ाइन नहीं दिखा पाई थी, तो ये वाला लिया था, ये नोज़ पिन। ये काफ़ी बड़ा है और हैवी भी है, और मतलब है ट्रेडिशनल डिज़ाइन, बहुत पुराने वाला ट्रेडिशनल डिज़ाइन है, पर मुझे ना मतलब पहनने के बाद फिर ये उतना अच्छा लगा नहीं, पता नहीं क्यों, पर तो मैं मतलब इसको तो मैं रिप्लेस कर ही दूंगी, क्योंकि ये भी मैंने अभी अभी लिया था और उस हिसाब से, और इसी में डाली हुई थी मैंने, वो पता नहीं क्यों नहीं मिल रही है, कहाँ चली गई है, मैं ढूंढूंगी सारी जगह पे। चलो कोई चक्कर नहीं, बाकी फिर ये भी ट्रेडिशनल ही है। खैर इसमें तो मैंने इसको भी तब चेक किया ना, मैं कह पता नहीं कहीं मैंने इसी में तो नहीं डाल दी थी, लेकिन नहीं, इसमें भी नहीं डाली है, क्योंकि वो भी मैंने भाई की शादी के दिन ही पहनी थी ना, वो तिल्ली लास्ट वाले दिन, तो और ये मेरी नथनी है, तो ये इस तरह के डिज़ाइन में। खैर नथनी तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि बहुत इमरजेंसी के लिए होती है, या फिर जैसे मतलब एक एक मतलब निशानी है, तो इसको भी नहीं दे सकते। तो मेन तो मेरी यही है टारगेट, जो ये रिंग्स हैं और साथ में जो मैंने कड़ा बनवाया था, और साथ में फिर ये चीज़ें भी मैंने जब बनवाई थी, तो ये भी मतलब बड़ा मोह नहीं छोड़ा, इसलिए मैंने खूब पहने हैं ये झूमर भी, तो देखते हैं अभी क्या बनता है। वैसे ऐसे भी शॉर्ट ही नहीं है, पक्का नहीं है, अभी देखते हैं, अगर जुगाड़ हो जाए ऐसे वैसे तब तो नहीं, पर जुगाड़ नहीं होगा तब फिर हम यहाँ से भी मतलब रिस्क लेंगे, थोड़ा थोड़ा मतलब करेंगे। तो ये एक ये झुमके हैं, ये मतलब ये जो झुमके हैं ना, तो ये भी काफ़ी हैवी हैं, मतलब कॉस्टली हैं, अगर आज की डेट में जैसे गोल्ड के रेट्स बढ़ गए हैं। साथ ही मतलब ये है मेरे कर्ण फूल, तो ये भी काफ़ी हैवी हैं, आई थिंक 2 तोले के होंगे, क्योंकि ये ना 1 तोले से ऊपर बनता ही नहीं है डिज़ाइन इनका, ऐसा उस टाइम पे उन्होंने बोला था। और चलो उस टाइम पे चीज़ें ले ली थी, वही बात आ जाती है ना कि एक भले टाइम पे पूरा इसके ना पीछे तक ये गोल्ड की ही चेन होती है, तो पूरा ये गोल्ड का ही होता है, इसलिए हैवी है। आप सोचोगे नहीं इतने हैवी नहीं हो सकते, हैवी तब हैं क्योंकि ये पूरे ओवरऑल होते हैं गोल्ड के ही, ये देखिए इस तरह से। बल्कि इसका एक चीज़ रह गई थी, मैंने इसके लिए जो बंद करने के लिए ना पीछे, अभी इसके तो आर्टिफिशियल ही है ना वो पीछे जो बंद करने वाले होते हैं, तो मैं बनवा रही थी गोल्ड के, फिर मतलब नहीं बना कि मैं क्या, चलो यार पहनने के लिए तो है ही, और बाद में कि वो निकल जाए या गिर जाए तो भी फिर प्रॉब्लम होती है, तो फिर सोचा था बाकी देखते हैं क्या पता वो बन जाएँ या फिर ये मुझे अलविदा कह दें, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। बाकी ये तो मेरे शादी वाले उसके साथ ही हैं, सेट के साथ हैं, ये होता है ना, ये कान के टॉपर्स थे, साथ में एक ये मांग टिक्का भी खैर इस बार मैं लगी थी बड़ा करवाने, लेकिन फिर करवाया नहीं था, इसी को दे करके मतलब इसी में और जोड़ के, पर मैंने करवाया नहीं था, पता नहीं अभी क्या भगवान को क्या मंजूर हो, कोई गारंटी नहीं है उस चीज़ की। और ये था मतलब हार, तो इसके साथ के थे, तो अभी देखते हैं और क्या क्या बनता है आगे, तो ऐसी ऐसी ये बात। बाकी ये पायलें, ये भी बहुत हैवी है, मतलब आधा किलो की पायलें हैं, तो देखते हैं इनको भी, अब मेरा शौक ख़त्म हो गया वैसे हैवी वाले से, और जो मैंने पहन रखे हैं वो भी काफ़ी लाइट भी हैं और सुंदर भी लगती है, पूरे पैर पे अच्छी लगती है मतलब, तो ऐसा है। बाकी अभी क्या बनता है क्या नहीं बनता है, जैसे भी कुछ भी बनेगा तो मैं आपको अपडेट भी ज़रूर दूंगी, बट हाँ बन जाएगा तब दूंगी, क्योंकि आगे पीछे फिर वही बात आ जाती है कि आप बोलोगे कि नहीं अब तो इसने मतलब यही टॉपिक उठा लिया, तो ऐसा नहीं है, मैं जो भी नया कुछ होता है सुख दुख अपने आप के साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी फिर देखिए बैक कैमरा के पीछे क्या कुछ चला होता है लाइफ में, वो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम आपको बता भी नहीं पाते हैं, तो ऐसे ही आजकल थोड़ा टेंशन वाला भी चला हुआ है माहौल, और मतलब थोड़ा टेंशन भी है बट खुशी भी है कि हम कुछ नया करेंगे, और प्रॉपर्टी मतलब लेना एक बहुत बड़ी बात होती है, जो हमारे पूर्वजों ने छोड़ा होता है उसमें और जोड़ते जाएं, और हम भी तो कभी पूर्वज बनेंगे तो हमने क्या किया अपने बच्चों के लिए, वो भी तो एक चीज़ होती है ना, तो इसलिए मतलब हमसे जो बन पड़ रहा है, देखिए मैं अपनी तरफ से खूब खूब मतलब मेहनत करती हूँ, मैं नहीं हम दोनों, तो जो भी हमसे बन पड़ता है फिर हम वो करते हैं, और देखिए ऐसा भी नहीं है कि यूं ही आलतू फालतू का खर्चा करते हैं, कुछ बहुत चीज़ों को बड़ी भारी सावधानी से मैं यूज़ करती हूँ, बहुत चाहे कंजूस भी नहीं बोल सकते उसको, अपने घर को मतलब मेंटेन करना पड़ता है, और ऐसा नहीं है कि अगर देखिए चीज़ों को उड़ाने लगे हम कि नहीं हाँ ये है आ रहा है पैसा तो उसको ऐसे ही उड़ाते चलो ये करो वो करो, तो चीज़ें कुछ नहीं रहता हाथ में, तो ये चीज़ें भी बहुत स्मार्टली
करनी पड़ती हैं कि हाँ, बेशक उस टाइम पे पतिदेव को लग रहा था कि मैं अपने लिए ये बना रही हूँ, वो बना रही हूँ, जो शादी आ रही है तुझे, मैंने तो पूरी गोल्ड से ये वो हो गई। मैक्सिमम यहाँ पे भी कमेंट कर रहे थे कि आपने ये बना दिया, वो बना दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बट कहीं ना कहीं ये एक सेविंग्स थी जो पतिदेव को भी अभी रियलाइज हो रहा है कि देखो, मैंने तो बेशक चाहे जैसे मर्जी चाहे से थोड़ा बहुत अपना ही, और उस टाइम के रेट में भी और अब भी, डे बाई डे मतलब इतना ज़्यादा फर्क पड़ रहा है ना कि आप मतलब खुद ही देखना। कुछ टाइम पहले गोल्ड के रेट काफ़ी कम थे, तो अभी बहुत ज़्यादा उछाल हो गई है। जब ये मैंने झुमके और ये चीज़ें ली थी ना, तो उस टाइम पे भी उतना ज़्यादा नहीं था, शायद 47 या 50 के अराउंड था। और कुछ एक चीज़ें हैं जो मैंने पहले ली थी, तो उस टाइम पे तो 33 से 34 इस तरह से भी था। तो ऐसा है मतलब अभी डबल के आसपास हो गया है, जो मतलब 33 के का होगा, 30 का होगा, तो उसका तो आप समझ ही लीजिए कि डबल के करीब होगा। तो ये सारी चीज़ें होती है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही होती है। लेडीज़ को बोलते तो है ना ये जेंट्स लोग कि नहीं बस अपने लिए, अपनी उसके लिए ले रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। हम लेडीज़ ना हर चीज़ को अपने दिमाग में कैलकुलेट करके चलती हैं, फ्यूचर में क्या होगा, किसने किसको क्या पता होता है ना, फिर तब ये रियलाइज करने के लिए बैठे होते हैं कि हाँ जी हाँ, अच्छा किया तूने, अब अच्छा लग रहा है। लेकिन उस टाइम पे जल्लस हो रही थी कि अच्छा क्यों कर रही है, इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, उसको बैंक में रख दो, सेव कर दो, ये कर दो। और बैंकों का भी तो आपको पता ही है कि क्या चल रहा है आजकल सिस्टम, कहीं पर भी कोई भरोसा नहीं होता। सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ है अपनी ये प्रॉपर्टी बना लो और आगे बच्चों के लिए, क्योंकि आज हमें भी मिल रही है, अगर मिले थोड़ी बहुत बड़ी मुश्किल से भी मिल रही है तो मिल तो रही है, बट बच्चे जब हमारे बड़े होंगे ना, तो उस टाइम पे तो मुझे नहीं लगता कि इनके लिए कुछ रह जाएगा। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी उनके लिए कुछ अच्छा सा छोड़ के जाएं। मतलब मेन हमें है रोड साइड का ही, ताकि कल को बिजनेस करना हो, कुछ भी करना हो ना, तो रोड साइड मतलब सही रहती है। और बाकी यहाँ पे तो आपने देखा ही है कि यहाँ तक पहुँचने में भी हमें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी ये चीज़ें हैं। बाकी आप भी सजेशन दीजिएगा अपने कि क्या मतलब अच्छे विचार हैं हमारे, या फिर से हम गलत कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आपके कमेंट्स का, आपकी बातों का भी मैं पूरा पूरा ध्यान रखती हूँ, सोचती हूँ, समझती हूँ। हाँ, जो अजीबोगरीब बातें बोलते हैं, तो भाई वो उनकी मेंटेलिटी दर्शाती है ना, कि उनकी अपनी मेंटेलिटी की, अच्छा वो इस तरह के इंसान हैं। बाकी जो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट देते हैं, सजेशन देते हैं, जब हमने घर की बात की थी तो उस टाइम पे भी आपके मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ऐसा नहीं कि मैंने नेगेटिव लिया चीज़ों को, सारी चीज़ें नेगेटिव थोड़ी ना होती हैं, वो हमारे भले के लिए भी होती है। तो जब भाई, तभी तो मुझे गर्व है कि हमारी इतनी बड़ी फैमिली है। यूं ही नहीं मैं बोलती हूँ, देखिए परिवार में देखिए अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं, सबके अपने अपने नेचर भी होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई हम जो सोच रहे हैं, जिस तरह से सोच रहे हैं वही सही है। तो थोड़ा अलग तरह से भी सोच जब मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से फिर अपने विचार हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड बस फिर आज के लिए वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।